नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे अप्रैल महीने के मंथली करंट अफेयर पर। देखिए, अप्रैल महीने के मंथली करंट अफेयर का पार्ट वन जो है ये अपलोड हो चुका है। और देखिए, ये जो आपका पार्ट टू है, ठीक है, तो पार्ट टू में जो है हम कंटिन्यू करेंगे प्रश्न संख्या 51 से लगा है 100 तक। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक मैंने पार्ट वन में बताया था, पार्ट वन में हमने उस पर डिस्कशन किया था। तो अगर आपका पार्ट वन छूट गया तो पार्ट वन को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वक्त जाइए, वहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी पार्ट वन की वीडियो की, वहाँ पे क्लिक करें जो है आप उसको देख डालिए, ठीक है। और देखिए, खास बात और, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले वीडियो पूरा देख लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए उसके बाद, और वहाँ पे क्लिक करके आप PDF जो है डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जो है ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। देखिए, जो आपका 51वां प्रश्न है यह है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए, आपको बता दूं कि जो आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये आपका भारत और सिंगापुर के सेनाओं के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये जो है अप्रैल महीने में 8 से 11 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के झांसी के बबीना सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया था। और ये जो है इसका 12वां संस्करण था, ठीक है, यानी कि ये 12वां सैन्य अभ्यास था भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच का। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भारत और सिंगापुर के सेनाओं के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है मैंने सब बता दिया, डेट बता दिया, प्लेस बता दिया, और ये कौन सा संस्करण है ये भी बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। और 52वां प्रश्न है कि नेपाल भारत फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपो और कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, इसका आयोजन जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया जाने वाला है, और ये 15 से 16 मई 2019 तक आयोजित किया जाएगा नेपाल के काठमांडू में, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए, 53वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है जिन्हें फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहा जाता था। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर बिहारी दास गोपाल दास पटेल, और ये आपके पटेल जी हैं। और देखिए, जो आपके पटेल जी हैं इनका जो है गुजरात के अहमदाबाद में बिहारी में निधन हो गया है। तो याद रखना है कि जो आपके डॉक्टर बिहारी दास गोपाल दास पटेल हैं ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे, और इनका बिहारी में निधन हो गया है, और इनको फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहा जाता था। 54वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे कैमरून गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए, अप्रैल 2019 में राकेश मल्होत्रा को कैमरून गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। और देखिए, 55वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने बम्बई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। तो देखिए, अप्रैल 2019 में प्रदीप नंद राजोग ने बम्बई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। तो प्रदीप नंद राजोग का नाम याद रखना है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रदीप नंद राजोग जो है ये नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं बम्बई उच्च न्यायालय के। और देखिए, 56वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 की अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में बैंक दर को कितने प्रतिशत रखा है। तो देखिए, RBI ने बैंक दर को जो है 6.25% रखा है, रेपो रेट को 6% रखा है, रिवर्स रेपो रेट को 5.75% रखा है, और बैंक दर जो है यानी कि बैंक रेट जो है इसको 6.25% रखा है, इसको मैं बता चुका हूँ। और जो आपका सीमांत साई सुविधा यानी कि MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ठीक है, इसको जो है 6.25% रखा है, इसको आप याद रखेंगे। 57वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 2.6 अरब डॉलर की अनुमानित कीमत पर भारत को 24 बहुउपयोगी MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दी है। तो देखिए, ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने भी हाल ही में अप्रैल 2019 में टोटल 2.6 अरब डॉलर की अनुमानित कीमत पर भारत को जो है 24 बहुउपयोगी MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है इसकी बिक्री को मंजूरी दी। और 58वां प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर भारत यूक्रेन वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि IUWGTEC की चौथी बैठक आयोजित की गई। तो देखिए, ये प्लेस आपका नई दिल्ली है, आपको याद रखना है एक लाइन में कि हाल ही में अप्रैल 2019 में नई दिल्ली में भारत यूक्रेन वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की चौथी बैठक जो है ये आयोजित की गई थी। और 59वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने प्रतिष्ठित जॉन डक्स कनाडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता। तो देखिए, जितने भी अवार्ड मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो आपके विक्रम पटेल हैं, ठीक है, तो विक्रम पटेल ने अप्रैल 2019 में जॉन डक्स कनाडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जो है इसको जीता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो आपके विक्रम पटेल हैं इन्हें ये पुरस्कार ग्लोबल मेंटल हेल्थ पर किए गए इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया।
और 60वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विक्रम किर्लोस्कर। तो फिर से बता दूं कि जो आपके विक्रम किर्लोस्कर हैं इन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार अपना संभाला अप्रैल 2019 में। और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है राकेश भारती मित्तल का, ठीक है, जो कि 2018-19 के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष थे, ठीक है, मतलब उस समय के अध्यक्ष थे। तो अब जो आपके भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने इनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर, इसको आप याद रखिएगा। 61वां प्रश्न है कि ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। तो देखिए जो आपकी PV सिंधु है इनको जो है ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया, ठीक है। और देखिए जो आपका 62वां प्रश्न ये है कि ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में निम्नलिखित में से किसे जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए आपके नीरज चोपड़ा, जो कि एक जेवलिन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और 63वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया। तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं ग्राहम रीड, ठीक है। और देखिए ग्राहम रीड कौन है, देखिए ग्राहम रीड जो है ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो है हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं और वहाँ के ये कोच भी रह चुके हैं। और इनको अभी हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच अपॉइंट किया गया अप्रैल 2019 में। 64वां प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की तेजी आने की संभावना है। तो देखिए आपको बता दूं कि विश्व बैंक के अनुसार जो 2019 और 20 का फाइनेंशियल ईयर है इसमें भारत की GDP में टोटल जो है 7.5% की जो है तेजी आने की संभावना है। और 65वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस प्रथम स्वदेशी निर्मित तोप को जो है सेना में शामिल किया गया। तो देखिए इस तोप का नाम धनुष है और ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि धनुष जो है इसको अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है और ये भारत का प्रथम जो है स्वदेश निर्मित तोप है। और 66वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है। तो देखिए जो आपकी हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी है कुछ इस प्रकार से दिखती है, बिल्कुल लग रहा है कार्टून, बिल्कुल डोरेमोन की तरह। तो इसकी अभी हाल ही में खोज की गई है केरल राज्य में। और 67वां प्रश्न है कि हाल ही में मणिपुर में किस स्थान पर हुई द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की याद में 7 अप्रैल को प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। तो देखिए जो आपका 7 अप्रैल है, ठीक है, तो 7 अप्रैल को प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया है द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की याद में कंगला टोंगबी में, ठीक है। कंगला टोंगबी जो है आपका मणिपुर में स्थित है, यह स्थान आपको याद रखना है। और 68वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी को 14वें ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में ग्लोबल सेलेक्ट कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। तो देखिए आपको बता दूं कि जो आपका टाटा स्टील है, ठीक है, तो टाटा स्टील को 14वें ग्लोबल सेलेक्ट सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में ग्लोबल सेलेक्ट कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपका ये 14वां ग्लोबल सेलेक्ट सम्मेलन और प्रदर्शनी है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, देखिए इसका आयोजन जो है अप्रैल 2019 में जर्मनी के आचेन में किया गया था। और देखिए 69वां प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। और 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, देखिए हर वर्ष होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में जो है विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाया जाता है। और 70वां प्रश्न है कि कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन आपका है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और देखिए 71वां प्रश्न है कि अमेरिका ने 8 अप्रैल 2019 को किस देश की सेना को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो देखिए 8 अप्रैल 2019 को जो है जो आपका ईरान है, ठीक है, तो ईरान की सेना को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और देखिए अमेरिका ने ईरान के जो आपका रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स है, ठीक है, देखिए ईरान की सेना को हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी कि IRGC, और इसको जो है विदेशी आतंकवादी संगठन नामित किया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और 72वां प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में किस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल हुआ। तो देखिए ये कॉलेज आपका है मिरांडा हाउस दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका मिरांडा हाउस कॉलेज है इसने लगातार जो है तीसरी बार नंबर वन की पोजीशन जो है इसको बरकरार रखा है। आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में जो आपका
दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस कॉलेज है, ठीक है, ये लगातार तीसरी बार जो है नंबर वन रैंक पे है। और ये तो प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए, अप्रैल 2019 में श्रीलंका और भारत के बीच में जो है मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसको याद रखना है। और देखिए, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। और देखिए, आपको बता दूं कि 2019 का जो आपका ये मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास था, ये आपका 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में आयोजित किया गया था श्रीलंका के दिया तलवा में, ठीक है। और चौथा और प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जारी किया गया है? तो देखिए, अप्रैल 2019 में ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में जो है जो आपके ऑनलाइन कंटेंट होते हैं, तो सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए जो है एक व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जारी किया गया, और इस श्वेत पत्र का नाम रखा गया ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को आईमा अवार्ड 2019 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? और देखिए, जो आपके संजीव बजाज है ये कौन है? देखिए, संजीव बजाज जो है ये आपके बजाज फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और 76वां प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये देश आपका रूस यानी कि रशिया है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी को अप्रैल 2019 में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था। और देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इनको जितने भी सम्मान दिए जा चुके हैं, तो इस क्रम में जो है ये सातवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था और यानी कि सातवां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। और देखिए, आपको बता दूं कि इससे पहले कौन कौन से सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इनको UAE ने जो है अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। दक्षिण कोरिया ने सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा था। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से जो है नवाजा गया था 2018 में ही। और देखिए, आपको बता दूं कि पहले फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया था प्रधानमंत्री मोदी को। और रूस यानी कि रशिया ने जो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से बियाली में सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी को। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें से पूछा सकता है कि कौन सा सम्मान, कौन सा पुरस्कार किस देश ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को। और देखिए, 77वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच नामित किया गया? तो देखिए, आपको बता दूं कि एनी नूरैनी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच नामित किया गया, ठीक है। और देखिए, जो आपकी एनी नूरैनी है ये आपकी जो है इंडोनेशियाई कोच हैं, ठीक है। तो इंडोनेशियाई कोच एनी नूरैनी को एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा एशिया में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच के रूप में नामित किया गया, इसको आप एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए। 78वां प्रश्न है कि विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, ठीक है। और देखिए, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और देखिए, 79वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है नजमा अख्तर, ठीक है। तो नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया अप्रैल 2019 में। और 80वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार के द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए जो है चुना गया? तो देखिए, जो आपकी दीपा मलिक हैं इनको जो है न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए जो है चुना गया है। और 81वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो देखिए, जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा विमान है इसका भी हाल ही में कैलिफोर्निया में परीक्षण किया गया है, और इसका नाम है स्ट्रेटो लॉन्च। और देखिए, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था स्ट्रेटो लॉन्च के बारे में, तो आप सर्च कीजिएगा स्ट्रेटो लॉन्च बाय एग्जाम गुरु, ठीक है। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, सर्च बॉक्स में। तो स्ट्रेटो लॉन्च नाम है इस विश्व के सबसे बड़े विमान का, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, और इसका परीक्षण जो है अप्रैल 2019 में कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान के ऊपर किया गया था। और देखिए, 82वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो देखिए, आपको बता दूं कि जो आपका निर्भय नामक क्रूज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो दिखता है, इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। और देखिए, जो आपका ये परीक्षण है निर्भय मिसाइल का, ये किया गया था ओडिशा के तटीय इलाके में अप्रैल 2019 में। 83वां प्रश्न है कि हाल ही में किस फार्मूला वन रेसर ने
रिकॉर्ड छठी बार चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। तो देखिए आपको बता दूं कि जो आपके लुईस हैमिल्टन है जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड छठी बार जो है चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। और 84वां प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 किसने जीता। तो देखिए 2019 का जो आपका वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड है इसको जीता है जान मूर ने। और 85वां प्रश्न है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो देखिए ये देश आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए जो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन है जो कि विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है, ये आपका UAE के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। और 86वां प्रश्न है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो देखिए जो आपका एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप था इसमें जो है भारत ने कुल 13 पदक जीते थे और इनमें 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 7 कांस्य पदक शामिल थे। और देखिए आपको बता दूं कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपका थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। और देखिए बता दूं आपको कि जो आपका ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसमें भारत की पूजा रानी और अमित पंघाल ने जो है भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते थे, यानी कि एक एक स्वर्ण पदक दोनों जीते थे। तो स्वर्ण पदक के विजेता का नाम एग्जाम में पूछा था इसलिए मैंने केवल स्वर्ण पदक के विजेता का नाम बताया है। और देखिए भारतीय पुरुष मुक्केबाजों ने कुल 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते इन 13 पदकों में, और इनमें जो महिला हैं, ठीक है, महिलाओं ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे, तो इसको आप याद रखिएगा। और देखिए 87वां प्रश्न है कि अभिषेक वर्मा ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो देखिए इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता था ISSF विश्व कप में जो कि 42 में चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था अप्रैल 2019 में, ठीक है। तो याद रखना है कि अभिषेक वर्मा ने चीन के बीजिंग में आयोजित ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। 88वां प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता। तो देखिए जो आपका एशियाई स्नूकर टूर खिताब है इसको जीता पंकज आडवाणी ने अप्रैल 2019 में। और 89वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो देखिए इनका नाम है क्लेयर पोलोसेक, और क्लेयर पोलोसेक का नाम काफ़ी चर्चा में है और मैं आपको बता रहा हूँ हर एग्जाम इनका नाम पूछा जाएगा। तो आपको बता दूं कि क्लेयर पोलोसेक जो है ये पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। 90वां प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किस व्यक्ति ने जीता। तो देखिए जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 है इसको जीता है राणा दास गुप्ता ने। और 91वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है इसको दिया गया योहेई सासाकावा को। देखिए यहाँ पे आपको मैंने 2 पुरस्कार बताए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर संबंधित। देखिए पहला मैंने यहाँ पे बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, ठीक है, तो केवल जो साहित्य पुरस्कार है इसको राणा दास गुप्ता को दिया गया, और जो आपका सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये दिया गया योहेई सासाकावा को। 92वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए। तो देखिए अप्रैल 2019 में विराज सागर दास जो है ये उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए। और देखिए साथ ही जो आपके आनंदेश्वर पांडे हैं ये दोबारा जो है यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव चुने गए। 93वां प्रश्न है कि हाल ही में सुहास LY ने युगांडा पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए जो आपके सुहास LY हैं इन्होंने युगांडा पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। और देखिए जो आपके सुहास LY हैं ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये जो है उत्तर प्रदेश के 2007 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपके सुहास LY हैं, ठीक है, इन्होंने इससे पहले जो है तुर्की के इस्तांबुल में भी आयोजित तुर्की इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का जो है खिताब जीता था। 94वां प्रश्न है कि ला लीगा 2019 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता। तो देखिए जो आपका ला लीगा 2019 का खिताब है, ठीक है, फुटबॉल फुटबॉल का, तो इसको जीता बार्सिलोना की फुटबॉल टीम ने। तो याद रखना है कि ला लीगा 2019 का जो आपका खिताब है, ठीक है, इसको जीता है बार्सिलोना की फुटबॉल टीम ने। और 95वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर खुदाई में गुरु नानक देव के जीवन काल के समय का कुआं मिला है। तो देखिए अभी हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर पर जो है गुरु नानक देव के जीवन काल के समय का एक कुआं प्राप्त हुआ है। और 96वां प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान हरप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए जो आपकी भारतीय पहलवान है हरप्रीत सिंह, इन्होंने एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में।
और देखिए जो आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, यहाँ पर भारत के बजरंग पुनिया ने एक स्वर्ण पदक जीता था, प्रवीण राणा ने रजत पदक जीता था, ज्ञानेंद्र ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, गुरप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता, सुनील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता, विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता और साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता। तो ये जो प्रमुख खिलाड़ी इनके पदकों के नाम याद रखिएगा, इन्होंने कौन सा पदक जीता ठीक है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। आपको बता दूं कि भारत ने जो है इस प्रतियोगिता में यानी कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 1 गोल्ड मेडल और 6 सिल्वर मेडल समेत जो है टोटल कुल जो है 16 मेडल जीते थे। यानी कि भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं जिनमें 6 सिल्वर और 1 गोल्ड शामिल है। और देखिए जो आपका ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, ये आपका चीन के शियान में आयोजित किया गया था ठीक है। 97वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो देखिए ये न्यूज भी काफ़ी चर्चा में रही अप्रैल में। देखिए आपको बता दूं कि जो आपके दलबीर सिंह सुहाग है, इनको सेशल्स में भारत का नया उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया ठीक है। और देखिए जो आपके भारत के पूर्व सेना प्रमुख है जनरल दलबीर सिंह सुहाग ठीक है, तो ये जो है 2014 से 2016 तक भारतीय सेना के 26वें सेना प्रमुख थे ठीक है। तो भारत के 26वें सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया था, इसको आप याद रखेंगे। 98वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल आईपी अवार्ड 2019 यानी कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं बेनी एंटनी ठीक है। और देखिए जो आपके डॉक्टर बेनी एंटनी हैं, इनके पास 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हैं। तो इनको 42 में नेशनल आईपी अवार्ड यानी कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया अप्रैल 2019 में। 99वां प्रश्न है कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। तो देखिए जो आपके सलीम खान जी हैं, सलमान खान के पापा, और इनकी जो मम्मी है हेलेन, और साथ ही जो आपके फिल्म डायरेक्टर हैं मधुर भंडारकर, इनको जो है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। और देखिए 100वां प्रश्न है कि हाल ही में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने ISSF शूटिंग विश्व कप के कितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए इन दोनों ने जो है 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपका ये ISSF शूटिंग विश्व कप है, ये आपका चीन की बीजिंग में जो है आयोजित किया गया था, इसको आप याद रखेंगे। तो ये थे आपके अप्रैल महीने के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे ठीक है वो सब। और देखिए अगर आप जो है अप्रैल महीने के जितने भी करंट अफेयर बने हैं यानी कि लगभग 300 से ज़्यादा जो करंट अफेयर हैं उनको अगर आप पूरा का पूरा देखना चाहते हैं, तो आप डेली बाई डेली का जो है अप्रैल महीने का करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही में मुफ्त में उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काम आप कर लीजिएगा। और देखिए आप इस वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हो, तो इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।